पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि किदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका किदार घाटी ब्लॉग में। और किदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से अभी मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग शाम की 3:30 बजे से हो रही है। सामने वाली पहाड़ियों का जो व्यू है वो काफ़ी गजब का दिखाई दे रहा है। और यहाँ से नीचे दिखाई देती है खेत, जो जिसमें ना गेहूं की बुआई कर रखी थी। तो गेहूं की जो फसल है वो तो काट ली है, कुछ कुछ खेती बचे हुए हैं और कुछ तो सुबह में काटने पर लगे हुए थे। तो देखिए कुछ पूलियां अभी खेतों में ही हैं और लोगों ने अपने बैल भी चराने के लिए ले जा रखे हैं खेत में। लगता है वो भी हल लगाने वाले हैं। और एक साइड से गेहूँ की कटाई हो रही है और एक साइड से खेतों में हल लग रहा है। तो हमारे यहाँ ना भाई आया था आज। तो भैया आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बढ़िया हो? जेठी माँ कैसी है? हाँ ठीक है माँ भी। अच्छा हाँ। तो भाई आया हमारे यहाँ हल लगाने के लिए, क्योंकि हमें ट्रैक्टर से हल लगाना नहीं आता है। तो मम्मी यहाँ पे कर रही है ट्रैक्टर की पूजा। तो पहली बार ले जा रहे हैं अपने खेत में, तो मम्मी ने बोला कि नए मेहमान की पहले वो पूजा कर लेते हैं। तो भाई चलते हैं अब, ठीक है? हाँ। तो अभी हमारी तैयारी हो गई है खेत में जाने की। और आधा खेत तो हमने गेहूं का काट दिया था और आधा खेत ना ऐसे ही रह रखे हैं गेहूं काटने के लिए। तो एक साइड से ट्रैक्टर से हल लगेगा और एक साइड से हम गेहूं काटेंगे। तो चलिए जी चलते हैं अब खेतों की तरफ। तो रोहित और भैया ले जाएंगे ट्रैक्टर को और मैं ले जाऊँगी ये कंडी, दराती हो गया और रस्सी। तो मम्मी ने इस कट्टे में ना बीज रख रखे हैं, पता नहीं कौन से बीज रख रखे हैं, आपको खेती में बताएंगे। तो चलिए जी अब चलते हैं खेतों की तरफ। तो ट्रैक्टर को ना ऐसे उठा के ले जाना पड़ रहा है, जो दाने हैं ना तो वो मम्मी ला रही है। ऐसे में ट्रैक्टर काफ़ी मतलब हल्का हो रहा है। तो भाई और रोहित ले जा रहे हैं, तो इसके जो टायर हैं ना वो काफ़ी छोटे हैं भाई। तो चलिए जी फाइनली अभी हम ना खेत में भी पहुंचने वाले हैं। तो ये रहा भाई हमारा खेत। तो इसमें हम ना परसों ही आ रखे थे गेहूं की कटाई करने के लिए। आधा खेत तो हमने काट लिए थे, आधा ही बच रखे हैं अब। बाकी यहाँ नीचे देखिए भाई, गेहूं की जो हालत है वो सुअरों ने ऐसे कर रखी है। तो भैया ट्रैक्टर भारी भी हुआ? बहुत हल्का हुआ ना। हमारा छोटा ट्रैक्टर है ना, तो उसी की तरह नहीं, वो भारी था है ना। हाँ वो हल जल्दी लगा रहा था। बाकी मम्मी यहाँ पे ना बीज बोने लग गई है। मम्मी किस चीज के बीज बो रही हो? क्या बो रही हो? धान। अच्छा तो इस साल ना अदला बदली हो रही है खेतों की। तो मतलब खेत में जो है इस बार हम धान बोएंगे पूरे खेत में ना मम्मी। तो पूरे खेत में धान बोएंगे और धान के जो बीज होते हैं ना मम्मी, धान के बीज दिखाना। तो धान के भी ना कुछ इस तरह से होते हैं और इससे ना चावल भी बनते हैं। तो आधा खेत फटाफट से ना गेहूं का है तो इसकी कटाई कर लेते हैं, एक साइड से काटेंगे और मम्मी पूरी बनाएगी। तो भैया ट्रैक्टर से ना हल लगाने लग गया है। तो वो काफ़ी छोटा ट्रैक्टर है तो उससे ना भैया को उतना अंताज नहीं आ रहा है। तो आराम आराम से लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आधा खेत लगेगा, कोई बात नहीं। तो चलिए जी हमने इधर की साइड से जो गेहूं काटने के लिए रह रखे थे वो भी हमने पूरी तरह से काट लिए हैं। बाकी भैया ने ना आधा खेत हल्का भी लगा दिया है, बस उधर की साइड बचा हुआ है। तो भैया वहाँ पे लगा रहे हैं हल। और हमने ना छोटा ट्रैक्टर ला रखा था जिससे ना मम्मी कैसा लग रहा है हल? बहुत अच्छा लग रहा है ना। हाँ तो ट्रैक्टर से काफ़ी अच्छा हल लग रहा है।
और भैया को ना थोड़ा बड़े बड़े ट्रैक्टर की आदत पड़ रखी है, तो थोड़ा उसको ना कठिन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तो भैया ने ना आज एक या दो खेत हल्की लगेगी शायद। मम्मी कितने खेत हल्की लगेगी? हाँ थोड़ा ये वाला खेत है तो थोड़ा ऊपर वाला खेत है, तो अब दोनों ना खेतों में हल लग जाएगी। बाकी ना भाई घर से पानी भी लेके आया था, तो भाई को प्यास लग गई है तो वो भाई को पानी देने के लिए जा रहा है। बाकी जो गेहूँ हमने काटे हैं ना, तो हमने यहाँ पे रख दिए हैं, कुछ यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ की साइड पे रखे हुए हैं। रोहित तूने नहीं सीखा हल लगाना? सीख रहा हूँ। सीख रहा है? सीखा तब बाद में, तू नहीं लगाना है हल? हाँ हमें तो ट्रैक्टर से हल लगाना नहीं आता है, तो हमने जेठी माँ को बोला, जेठी माँ ने बोला कि मैं नीरज को लगाऊंगी, तो भैया हमारी ना मदद करने के लिए आ रखा है। तो भैया ने बोला कि मैं सिखाऊंगा रोहित को, तो बाद में वही लगाएगा। तो भाई भी धीरे धीरे करके सीख ही रहा है। हम ना आज कुदाल नहीं लेके आए, हमने ना इस वाले खेत में पूरा धान बो रखा है। हमने झंगोरा भी लेके आ रखे थे साथ में। मम्मी आपने झंगोरा क्यों नहीं बोया? झंगोरा ऊपर वाले खेत में। अच्छा अभी बोते हैं तब घर आते हैं, भूल गए। हाँ तो मम्मी ने यहाँ पे ना गेहूं की भारी भी लगा दी है, तो मम्मी के पास ये रस्सी दूंगी। बाकी ना इस वाले खेत में काफी सारा कबाड़ है भाई, ऊपर की साइड घास काटने के लिए ऐसे ही रह रखा है। तो कल आएंगे खेत में धान करने के लिए, हमारे पहाड़ों में बोलते हैं कि खेत में धान करने चिवल। तो यहाँ ऊपर की साइड काफी सारा घास है, ये देखिए भाई, तो ये भी पूरा साफ करके काटना पड़ेगा जिससे कि चूहे ना लगे बाद में। बाकी उधर अब थोड़ा सा ही रह रखा है हल लगाने के लिए, अब सिर्फ ऊपर वाले खेत में लगाना है हल, क्योंकि हमने ना पिछली बार ऊपर वाले खेत में कुछ नहीं बोया, वैसे ही बंजर पड़ा हुआ था। तो हमने इस बार हमने ऊपर की साइड झंगोरा बोना है, और हमारा एक खेत यहाँ ऊपर की साइड था जो कि बादल फटने के कारण ना पूरा तबाह हुआ। चलिए जी अभी भाई की बारी आ गई है हल लगाने की, देखते हैं भाई कैसे हल लगाता है। जल्दी लगा, स्पीड हाँ स्पीड बढ़ा। बाकी भाई को यहाँ पे थकान लग गई है। भैया कितनी आप बताई? बहुत ज्यादा आई ना लगाने वाला, बहुत उसको आई रहा। हाँ यार नहीं आ रहा उसको लगाना, लगा रे नहीं है उसका सगुआर, सगुआर नहीं, सगुआर नहीं। ये देखो खाली दौड़ है। ये देखिए भाई इसका सगुआर, आराम से चला रहा, आराम से ऐसे क्या भगा रहा। और इसका सगुआर देखो भाई, खेत में हल लगाते लगाते अंधेरा भी हो गया है। बाकी भाई ने ना आज दो खेतों में हल लगाया, तो नीचे वाला जो खेत था वो काफी बड़ा था, और यहाँ जो खेत था ना, मम्मी यहाँ कितनी आफत आई भैया आप पे? मेरे तो बहुत आ गई, बाकी किसी को चलाना तो आ नहीं रहा। क्या कर रहे थे आप? आता ही नहीं है, मेरे भाई को सिखाते ना आप। उसको चलाना ही नहीं आ रहा। सब वो नहीं है पा, बाद में बुआरी मार खा लो जो नहीं मार। तो एक ये वाला खेत लगाया, तो अच्छी तरह से हल लग चुका है। तो चलिए जी अब हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की, तो अभी ना गेहूं की भारी भी लगानी है, तो भाई और रोहित ले जाएगा ट्रैक्टर को घर।
तो अभी हम यहाँ अपने खेत में आ गए हैं नीचे, बाकी मम्मी यहाँ पे लगा रही है भारी गेहूं की। तो दोस्तों अभी ना घर भी पहुंच गए हैं खेत से, बाकी मैं अभी यहाँ पे बना रही हूँ कॉफी। लगता है कॉफी थोड़ा कम पड़ गई है, कोई बात नहीं। तो मैंने ना यहाँ पे भैया के लिए ना कॉफी भी बना दी है, रोहित के लिए और भैया के लिए। रोहित ले। तो क्या हुआ, दूसरे काम नहीं मिला? कैसी हो रही है? अच्छा, और मेरा भाई गर्म नहीं पीता है ना, चाहे दूध हो चाहे कॉफी हो। तो चलिए जी, भैया लोगों के लिए कॉफी दे दी है और अब मैं भी कॉफी पी लेती हूँ, देखते हैं मीठा कितना हो रहा है। बस तो ठीक है भाई मीठा। तो हम गौशाला से भी आ गए हैं और मम्मी यहाँ पे ना डिनर बनाने की तैयारी कर रही है। मम्मी डिनर में क्या बन रहा है? मटर पनीर बन रहा है। अच्छा, मटर ला रखे हैं, पहले प्याज टमाटर काटूंगी उसके बाद। हाँ, और मम्मी के आंसू भी आ गए। प्याज ऐसा है कि आंसू आ रहा है, सीधा रुला रहा है। हाँ, तो मम्मी ने यहाँ पे ना प्याज टमाटर भी काट दिए हैं, तो मम्मी बोल रही है कि आज मटर पनीर की सब्जी बनेगी। तो मम्मी ने यहाँ पे ना पनीर भी काट दी है और यहाँ पे ना प्याज टमाटर भी काट लिए हैं। तो मम्मी बना रही है यहाँ चूल्हे में, बाकी एक तरफ से कुकर में चावल चढ़ा रखे हैं। और सबसे पहले ना मम्मी पनीर को तलेगी ना मम्मी। हाँ, तो चलिए जी, आज का स्वादिष्ट डिनर भी बन के तैयार हो गया है। तो पहाड़ी थाली में फुल है भाई। तो मम्मी ने आज के डिनर में बना रखा है चावल हो गए, गेहूं के आटे की रोटी हो गया, साथ में है मटर पनीर की सब्जी और बीन्स की सब्जी। तो चलिए जी, गर्मा गर्म डिनर का आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले ना भैया को परोसेंगे, तो भैया को भी कमरे में दे दिया है। तो चलिए जी, डिनर वगैरह भी हो गया है और भाई लोग भी सो गए हैं। और ना सुबह में जल्दी भी उठना है और मुझे अभी हिचकी भी आ रही है और मुझे ना अभी किताब पढ़नी है 9-10 बजे तक, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। बाकी मम्मी ना किचन की साफ़ सफाई वगैरह कर रही है। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।